हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एडुलवर। क्लास टेंथ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि क्लास टेंथ इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इस बार एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट फ्लाइस बुक का एक प्रोज है और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के मल्टीपल चैप्टर आते हैं इसके अंदर। जैसे आपने कुर्स्क वाला चैप्टर देखा होगा, आपने गोवा से रिलेटेड चैप्टर देखा होगा, तो ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, एक और चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंदर आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल कितने चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंदर आता है, साथ ही साथ उसका नेम भी आप लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मस्ट बी कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई डज द ऑथर इन कुर्ग, है ना, याद रखियेगा कहां वाला, तो कुर्ग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, से दैट द विजिटर सर्च फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया वुड बी फाउंड इन वुर्ग, है ना। ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कुर्ग के बारे में कि विजिटर जो होते हैं वो अपने हार्ट और सोल का, अगर सोल का खोज करते रहते हैं, है ना। देखिए क्या है, व्हाई डिड द ऑथर इन कुर्ग से दैट द विजिटर सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल इन इंडिया, वो जो है अगर वो हार्ट और सोल का खोज कर रहे हैं इंडिया में तो वो कुर्ग में उन्हें मिलेगा, इसके बारे में हमें बताने कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो आइए इसको एकदम प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। द ऑथर इन कुर्ग से दैट द विजिटर सर्च फॉर द हार्ट एंड सोल इन इंडिया वुड बी फाउंड इन कुर्ग बिकॉज, अब यहां से हमारा शुरू होता है इसका आंसर, हमने यहां से यहां तक बस यही जो क्वेश्चंस वाला पार्ट उठा रखा है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का अगर हम लोग ऐसे समझे तो शान होता है हिंदी में, और अगर इसका मिलता जुलता वर्ड देखे ना तो होता है प्रॉस्पेरिटी, है ना, शान, एक टाइप का वैभव, है ना, मतलब एक टाइप का, मतलब हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक टाइप का प्लीजर हमें देखने को मिलता है, एक टाइप का प्रोस्पैरिटी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल प्रोस्पैरिटी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल एक इतना अच्छा दिखाई देता है, इतना मजा आ जाता है कि देखकर लगता है बहुत बहुत मस्त है यहाँ का इंडिया का सीन, कुर्ग का सीन। ठीक है, एंड डिफरेंट अपियरेंस इन नेचर, और डिफरेंट अपियरेंस इन नेचर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चाहे वो प्लांट लाइफ देखें या फिर एनिमल लाइफ देखें, वहां पे बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली इन द लैंड ऑफ द कुर्ग फुल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ये फ्लोरा और फाउना क्या होता है, तो आइए, फ्लोरा जो होता है हमारा वो प्लांट से रिलेटेड होता है, फ्लोरा जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड वर्ल्ड है, जबकि फाउना जो है वो एनिमल से रिलेटेड टर्म है, एनिमल से मतलब किसी सर्टेन टाइम में जब वहां प्लांट्स प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, और एक सर्टेन टाइम के लिए वहां पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज फाउना। ठीक है, तो याद रखोगे फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड है और फाउना जो है वो एनिमल से रिलेटेड है, तो हमें एक यहाँ पे केवल लैंड ही ऐसा नहीं देखने को मिलता, एक डिफरेंट टाइप का स्पीसीज हमें देखने को मिलता है और फ्लोरा एंड फाउना, बट इट इज अ होम ऑफ द मार्शियल मैन, जबकि इसके साथ साथ ये मार्शियल मैन का भी होम है एंड अट्रैक्टिव वूमेन। अगर आप इस टाइप से लिखते हो ना आंसर, एक नंबर आपका नहीं कट सकता, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, एक नंबर आपका कट नहीं सकता, आपको ऑफर करके चला जाएगा, आपको पूरे मार्क्स देकर चला जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और थोड़ा आपको अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना है ताकि देख कर ना मजा आ जाए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डिड द बेकर्स बिकम साइनोनिम्स विथ सेलिब्रेशन एंड ओकेजन इन गोवा, मतलब कहने की गोवा में कोई भी ओकेजन या सेलिब्रेशन होता है, है ना, गोवा में कोई भी ओकेजन और सेलिब्रेशन होता है उसमें बेकर जो है, केक्स वाला पार्ट जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, एकदम उसे साइनोनिम्स बना रहता है, मतलब सेलिब्रेशन हुआ, ओकेजन हुआ, मतलब केक्स तो पक्के आएंगे। ठीक है, बेकर्स तो पक्के आएंगे, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग बोल सकते हैं इसके बारे में, द बेकर बिकम साइनोनिम्स विद द सेलिब्रेशन एंड ओकेजन इन द गोवा, अगर आपने गोवा वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, आपको आराम से बना लोगे यार, एकदम आराम से बना लोगे गोवा एज बेकिंग। देखिए कैसे होता है, द बेकर्स बिकम साइनोनिम्स विद सेलिब्रेशन एंड ओकेजन इन गोवा एज,
कैसे होता है? तो बेकिंग इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशन देयर, है ना। गोवा में जो बेकिंग होता है, जो केक बनाने वाला सिस्टम होता है, जो वहां पे मेनली बोलिनी हास भी चलता है ना, बोलिन हास, वो भी होता है, एक इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी कल्चर या ट्रेडिशन में। यानी कि कहीं भी कल्चरल पार्ट हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई ओकेजन हो, वहां पे केक्स आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, मेरे को तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है तो आप चले जाओ कहां पे, गोवा में आपको मजे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रेड नॉन एज द बोल। वहां पे जो मैरिज गिफ्ट होगा उसमें मीनिंगलेस होगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा मैरिज गिफ्ट का। हम लोग यहाँ भाई साड़ी देकर आ जाते हैं, 500 रुपए देकर आ जाते हैं, कुछ नहीं होता तो 101 रुपए देकर आ जाते हैं, है ना। कुछ कुछ तो खाली लिफाफा दे देता है, कहीं गिर गया होगा, आप ऐसा समझ लेना। ठीक है तो बदमाश लोग बहुत कमी है इंडिया में, है ना, इंडिया में खास करके हम लोग की तरफ। बाकी साउथ में जाओ तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, देखते हैं ना मार कर कैसे होता है उधर, उसी टाइप से यहाँ पे मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रेड, है ना, जिसको यहाँ पे नाम बोला जाता है क्या, बोल का। ठीक है तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, मजे आ जाएंगे। फिर है द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉक्टर एंगेजमेंट। अगर डॉक्टर का एंगेजमेंट है तो वहां की लेडी जो है वो सैंडविच जरूर प्रिपेयर करेगी। क्या मस्त है यार, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये इसका ट्रेडिशन है। अगर कोई भी ओकेजन हुआ, कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, बेकर्स वाला पार्ट जरूर आएगा, केक वाला पार्ट जरूर आएगा। साथ ही साथ अगर किसी का एंगेजमेंट है तो सैंडविच जरूर मिलेगा, है ना। जिधर भी एंगेजमेंट होगा उधर बच्चा हल्ला करते हुए जाएगा, अरे सैंडविच मिलेगा, सैंडविच मिलेगा। ठीक है, केक्स एंड बोलिनिहास आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल। केक्स मैं वही बता रहा था, केक्स और एक बोलनी हास चलता है। बोलनी हास ना ऐसा गोला गोला टाइप का, थोड़ा फूला फूला टाइप होगा, खाओगे ना मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है तो ये वाला पार्ट है कि केक्स और बोलनी हास जो होते हैं वो क्रिसमस के लिए, है ना, क्रिसमस में हालांकि इधर भी बनता है बोलनी हास, एंड अदर फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। तो अगर इस टाइप से अगर आप टू द पॉइंट लिखते हो तो एक मार्क्स भी कटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू एडवेंचर्स स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, है ना, रिवर राफ्टिंग होता है जिसमें क्या देखते हो कि एक आप मूवी में ज्यादातर देखे हो कि रिवर राफ्टिंग होता है, रिवर चलता है ऐसा रस्सी पकड़ के चलता रहता है, रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। एंड रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। रिक्वायर अ पर्सन टू पोजेस जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, व्हाई और व्हाई नॉट। मतलब हमसे पूछ रहा है कि रिवर राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग में है, उसमें केवल और केवल फिजिकल स्ट्रेंथ का ही नेसेसरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ ही रिक्वायर्ड है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, है ना। तो हमें पता है कि जब रॉक क्लाइंबिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, तो उसमें केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नेसेसरी नहीं है, उसके साथ साथ मेंटल अलर्टनेस भी जरूरी है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। नो एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन टू पोजेस जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट रिक्वायर, है ना, केवल क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही रिक्वायर नहीं होता है, इट ऑल्सो रिक्वायर अलर्टनेस एंड द मेंटल टफनेस, है ना, ये ऑल्सो रिक्वायर्ड होता है अलर्टनेस, है ना, अलर्टनेस रिक्वायर होता है, साथ ही साथ मेंटल टफनेस भी अलर्ट होता है। मतलब हर एक टाइम में आपको देखना पड़ेगा कहीं रस्सी क्या बोलते हैं इधर उधर तो ना चला गया, अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो। रिवर राफ्टिंग में भी आपको पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है तो वही सारा का सारा दिया है, एज दिस स्पोर्ट्स आर डन इन द नेचुरल सराउंडिंग, क्योंकि ये सारे के सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल सराउंडिंग के अराउंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल सराउंडिंग में होते हैं, वन मस्ट बी अलर्ट, तो सबसे पहले तो हमें है कि अलर्ट रहना है एंड कॉशन, और उसके साथ साथ कौन कौन सा कुछ कुछ हमें प्रिकॉशन जो है वो अच्छे तरीके से रखना है व्हाइल परफॉर्मिंग देम, जब आप ये रिवर राफ्टिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग या सच लाइक एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो। अ पर्सन नीड्स टू हैव एक्सीलेंट जजमेंट, एक पर्सन को क्या चाहिए, एक एक्सीलेंट जजमेंट भी चाहिए, ताकि वो इधर उधर उसका बैलेंस खराब ना हो सके, एंड शुड हैव द क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, है ना, एक साथ ही साथ उसके साथ क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो, अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसके पास एक क्विक सिस्टम होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, जिसके कारण वो तुरंत क्या होगा कि हर एक बात का रिप्लाई दे सके, हर एक चीज को मेंटेन कर सके, टू परफॉर्म देम इफेक्टिवली एंड सेफली, जिसके कारण वो इफेक्टिवली भी और सेफली भी काम कर सके। ठीक है तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
कुर्गी बिलोंग टू अ वॉलरस। अब वॉलरस का मतलब क्या होता है, वॉलरस का अगर आप हिंदी ढूंढने जाओगे तो आता है उसका वीरता, है ना, वीरतापूर्ण, यानी कि वॉलरस का हम लोग बोल सकते हैं हीरोइक, है ना, हीरोइक एंड द हॉस्पिटेबल रेस। जो कुर्गी है वो एक मतलब क्या बोलते हैं वीरता, एक साहसी मतलब क्या बोल सकते हैं साहसी सोसाइटी से आता है, ठीक है, एक हीरोइक सोसाइटी से आता है, हॉस्पिटेबल रेस। कमेंट ऑन दिस स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, तो इस पे हमें कुछ कमेंट करना है विथ रिफरेंस टू टेक्स्ट, है ना। चलिए देखते हैं कि क्या है। कुर्गी वाज सेड टू बिलोंग द वॉलरस, वॉलरस मतलब वही हो गया हमारा वीरतापूर्ण, ठीक है, एंड हॉस्पिटेबल रेस, यानी कि उनके अंदर दया भी होता है, ठीक है, एज देयर होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि उनका होम जो होता है वो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब देखने को हमें मिलता है। दे आर इन्यूमरेबल टेल्स ऑफ करेज रिलेटेड टू द पीपल बिलोंगिंग टू द कुर्ग, यानी कि यहां पर जो भी पीपल कुर्ग में रहते हैं उनके अंदर में एक यूनेमरल्स, है ना, टेल्स ऑफ करेज हमें देखने को मिलता है, मतलब एक हमें अजब टाइप का वीरता हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कुर्ग में बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। इन फैक्ट द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और उसके साथ साथ हमें दिया हुआ कि कुर्ग रेजिमेंट जो है जहां पे आर्मी रहते हैं इंडियन आर्मी रहते हैं वो मोस्ट डेकोरेटेड है, है ना, मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा आपको देखने में लगेगा, और बहुत ही अच्छा फैसिलिटी भी वहां पे प्रोवाइड किया गया है किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। जनरल करियप्पा जो है, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये नाम आपने सुना होगा, जनरल करियप्पा वाजक कुर्गी, है ना, वो कुर्गी यानी कि कुर्ग से ही बिलोंग करते हैं। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपुल इन द इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ये जो कोडावस होते हैं इनके पास ही इंडिया में ऐसे पीपुल केवल कोडावस ही है जो फायर आर्म्स को रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो फायर आर्म्स रख सकते हैं। ऐसे अगर आपको पिस्टल रखना है या कोई भी गन रखना है तो आपके लिए उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये पार्ट, फोर्थ पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। आई होप कि आपको सारा का सारा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। द नरेटर सेयर, नरेटर बोलते हैं कि बेकिंग वाज इनडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, अगर ओल्ड एज के बारे में बात करें, पुराने जमाने की बात करें, तो बेकिंग जो था वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। व्हाट डू यू फील हैज चेंज नाउ, तो आप ऐसा क्या सोचते हो कि आज के टाइम में क्या ऐसा चेंज आ गया है, व्हाई, और ऐसा हुआ है, अगर चेंज आया है तो क्यों चेंज आया है। तो बहुत सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस अब सेटअप हो चुके हैं और वो छोटे यानी लोकल रिटेलर को ना अब खा जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे रिटेलर ना अब दुकान बंद करने पे आ चुके हैं। तो हालांकि इसके आंसर के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम लोग, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन ओल्ड एज, है ना, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, बिजनेस था ओल्ड एज में। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज चेंज्ड सिंस देन, अब हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे थिंग्स जो है वो चेंज्ड हो चुके हैं अब से, क्या है, टूडे द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द लोकल बेकर्स हैज रिड्यूस्ड, है ना, आज के टाइम में देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है लोकल बेकर्स का वो क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। बिग बिजनेस हैव रिप्लेस स्मॉल बेकर्स विद देयर कॉम्पिटेटिव प्राइस, जो बिग बिजनेस मैन है, ठीक है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने लोकल में कि कौन बिग बिजनेस कर रहा है और कौन जो है स्मॉल बेकर्स है, ठीक है, तो वो क्या कर दिए हैं, वो स्मॉल बेकर्स को अपने कॉम्पिटेटिव प्राइस से, जैसे कि अगर स्मॉल बेकर्स है जो कि एक शॉप है जिसका वो 200 रुपए में, है ना, वो क्या बोलते हैं कोई भी केक देता है, ठीक है, लेट अस सपोज कौन सा देता है, पाइनएप्पल केक देता है ऐसा हमें पाइनएप्पल केक देता है। अब अगर उसी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हाई पड़ेगा, जो लोकल बेकर्स है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो छोटे छोटे बनाता है, एक दो तीन बनाता है, एक दो दिन में 5 बेच पाता है, 10 बेच पाता है, वहीं पे एक बड़ा सा आता है बिजनेसमैन, है ना, और उसका क्या करता है, एक बड़ा सा सेटअप करता है अपना सारा का सारा, और उसके बाद उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है और वो इसी चीज को 180 रुपए में बेचना शुरू कर देता है। तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस करेगा ना भाई, ये क्या करेगा, 200 रुपए से अगर ये कम बेचेगा इसका काम ही नहीं बन पाएगा, और ये 180 रुपए में बेचेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, हम लोग देखेंगे भैया 180 रुपए का है, हम 200 रुपए का क्यों खरीदे, हम 180 रुपए का ना खरीदे, ठीक है। इसीलिए बिग बिजनेसमैन जो है वो कॉम्पिटेटिव प्राइस से स्मॉल बेकर्स को खत्म करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं। द इंक्रीजिंग
scope of fencing, advertising and brand awareness has made it difficult to the local bakers. जो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि फैंसी एडवर्टाइजमेंट जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही साथ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे लोकल बेकर्स के लिए अपने गुड्स को, अपने बेकर्स को सेल करना ना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है. बेकर्स टू सेल देयर हाई इन क्वांटिटी, हाई इन क्वालिटी बट लेस नॉन और लेस एडवर्टाइज प्रोडक्ट. अगर उनके पास क्वालिटी भी अगर हाई है लेकिन उनके पास क्योंकि लेस नॉन या फिर लेस एडवर्टाइज प्रोडक्ट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट अपना उतना नहीं कर पाते हैं, और अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से बिकता नहीं है. जैसे कि आप हमारे सब्सक्राइबर को देख सकते हो, हम अभी 13K पे ही हैं क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बाकी लाखों में बैठे पड़े. इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के किस चैप्टर पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए.